अगर इस गांव आप 10 साल इस एरिया के विधायक रहे सर, वो रोजगार नहीं दिए बाबूजी, तुमको पैदा किए रोजगार दिए हैं? बाबूजी तुमको पैदा किए रोजगार दिए हैं? तुम वोट मांगने के लिए भी आए हैं, दूसरे एरिया में हर जगह सुविधा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बिहार के जो विधायक हैं वो सत्ता के नशे में चूर हैं। ये वीडियो देखिए, वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जेडीयू के विधायक हैं ये, रणधीर कुमार सोनी शेखपुरा के हैं, और ये लोगों का हालचाल जानने पहुंचे थे, मजदूरों का हालचाल जानने पहुंचे थे, जो तस्वीरें आप देख भी रहे होंगे। अच्छी बात है, विधायक जी वहां पहुंचे, लोगों का हालचाल लिया। 92 प्रवासी मजदूर देश के विभिन्न राज्यों से जब वापस शेखपुरा लौटे तो उन्होंने कहा साफ साफ अपने विधायक से कि उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन ज़रा सुनिए किस तरीके से प्रवासी मजदूरों को जेडीयू के इस विधायक ने कितने अपशब्द कहे हैं, जरा आप सुनिए। सर, इस गांव आप 10 साल इस एरिया के विधायक रहे सर, वो रोजगार नहीं दिए, तो इस गांव को क्या, इस एरिया को भी रह सकता है 200-300 लोग बाहर। बाबूजी तुमको पैदा किए रोजगार दिए हैं? हां, रोजगार क्यों नहीं, रोजगार दिया है। तुम वोट मांगने के लिए भी आए हैं? वोट नहीं, वोट नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। देखिए, प्रॉब्लम की सुविधा चाहिए कि नहीं, नेता का काम है सुविधा चाहिए, रोजगार देना। चाहे आपकी ऊपर सरकार है नीचे सरकार, आप अपनी एरिया में सुविधा दीजिए, कोई सुविधा नहीं है। आप दूसरे एरिया में सुविधा, अरे एरिया में हर जगह सुविधा है, सभी जगह, जहाँ नगर को घुमा देख लीजिए, हर क्षेत्र में घूमे, कहाँ सभी जगह, चाहे जम्मू जिला हो जाए, नवादा जिला हो जाए, अनेक जिला हो जाए, कितने जिला जाता है, कम जाता है, जब गुजरात से 50 आदमी उतरे वहाँ पर उतरते साथ, वहाँ के सरकार बोल रहा था कि आप कोई सुविधा नहीं देंगे, कि यहाँ का लोग बाहर जाते हैं, यहाँ निधुरिया सब है, यहाँ की पब्लिक सर, यहाँ की निधुरिया पब्लिक है, जो बोले यहाँ की ज्यादा लोग है बाहर पड़ा हुआ। नेता नहीं, नेता बात नहीं है, तो आपने सुना, उम्मीद है जब वोट डालने की बारी आएगी उस वक्त ही आप अपना मुंह खोलकर विधायक से कुछ मांग सकते हैं, नहीं तो आपके बाप दादा को भी वो आपको याद दिला देंगे। सरेआम बीच बाजार, क्या कुछ कहा हक मांगने पर जेडीयू के विधायक ने, आपने सुना है। क्या ये शब्द बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जब पहुंचेंगे तो क्या वो इस शब्द की सराहना करेंगे। हम इस बात के दावे नहीं कर रहे हैं कि सरकार जो कह रही है हर चीज़ वो कर ही रही है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार आईना दिखा रहा है। ऐसे में ये लगातार जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जेडीयू के विधायक रणधीर सोनी की, तो देखने वाली बात यह है कि इस पर जेडीयू क्या कार्रवाई करती है, पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो खुद क्वारंटाइन सेंटर में लोगों से बातचीत कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, कल की भी वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, किस तरीके से मुख्यमंत्री लोगों से बात कर रहे थे, उनका हालचाल जान रहे थे, और एक तरफ जहां मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप बिहार में ही रहिए, आपके पास बहुत कला है, आपके पास बहुत प्रतिभा है, आप बिहार को संवारिए, वहीं उनके विधायक किस तरीके से कह रहे हैं बाप दादे का नाम लेकर के, और किस तरीके से अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आपने सुना है। उम्मीद है अभी तक जो कार्रवाई होनी थी विधायक पर क्यों नहीं हुई ये तो पता नहीं, लेकिन अब जब खबरें चल रही हैं तो उम्मीद है जल्द से जल्द विधायक से जवाब मांगा जाएगा, और सत्ताधारी दल जो है इस पर जरूर कड़े कदम उठाएगी। विपक्ष तो खैर इस पर सवाल खड़े कर ही रहा है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। सर, इस गांव आप 10 साल इस एरिया के विधायक रहे सर, वो रोजगार नहीं दिए। बाबूजी तुमको पैदा किए रोजगार दिए हैं? बाबूजी तुमको पैदा किए रोजगार दिए हैं? तुम वोट मांगने के लिए भी आए हैं, आप दूसरे एरिया में सुविधा, अरे एरिया में हर जगह सुविधा है।